वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे पापड़ी। तो इसके लिए यहाँ पर रिफाइंड फ्लावर लिया है, मैदा, घी है, कैरम सीड्स है यानी अजवाइन, सॉल्ट है, नमक, ऑयल लिया है पापड़ी को फ्राई करने के लिए और थोड़ा सा पानी लिया है डो बनाने के लिए। तो चलो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए सबसे पहले मैदा लेंगे, इसमें नमक डालेंगे, कैरम सीड्स इसको आप हाथ पे ऐसे लीजिए और थोड़ा सा हाथ से ऐसे क्रश कर लीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैदे में डाल दीजिए और ये घी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो गया, इसका टेक्सचर बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है। और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे और एक सख्त आटा गूंद लेंगे। देखिए आटा हमारा गूंद चुका है, इसे कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए और इतना आटा गूंदने में हमें लगभग आधे गिलास पानी की ज़रूरत पड़ी है। अब हम इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के बाद इसकी पापड़ी बनाएंगे, जिस इतनी देर में आटा हमारा सेट हो जाएगा। देखिए आधा घंटा हो चुका है, आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे, जितनी बड़ी पापड़ी आपको बनानी है उसको ऐसे गोल पेड़ा बनाएंगे, इसे ऐसे फ्लैट करेंगे, इसी तरह से सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। देखिए सारे पापड़ियों का आटा तैयार हो गया है, ये अच्छे से इसे पेड़े बना के बना लिया है इसका, अब इसे हम बेलेंगे। ठीक है, एक पेड़ा लिया हमने, इसे अच्छे से हम बेलेंगे, इसे बिल्कुल पतला बेलेंगे हम। देखिए ये बिल्कुल पतला हमने बेला है इसे, अब इसे हम ऐसे किनार से उठाएंगे, उठाते हुए इसे आधे तक इसे ऐसे फोल्ड करेंगे हम, इसे ऐसे दबा देंगे, इस तरफ से उठाएंगे और थोड़ा किनारा छोड़ते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये पापड़ी हमने अच्छे से बना ली है, इसी तरह से हम बाकी की पापड़ियाँ भी तैयार करेंगे। पापड़ी बनाते में इस बात का ध्यान रखिए आप कि आटा आपका सख्त होना चाहिए, लेकिन इतना सख्त भी नहीं कि आपको इससे पापड़ियाँ हैंडल नहीं हो पाए। देखिए पापड़ियाँ सारी अच्छे से बिल चुकी हैं, अब इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, ये गर्म हो चुका है, अब इसमें पापड़ियाँ फ्राई करेंगे। इसके लिए पहले हम एक पापड़ी डाल के देखेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गर्म है या नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसे अब और पापड़ियाँ डाल देंगे। इसे बिल्कुल लो टू मीडियम पर फ्राई करें, जिससे अच्छे से अंदर तक से क्रिस्प हो जाए। देखिए एक तरफ से क्रिस्प हो गई है ये, इसको हम पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इसे क्रिस्पी करेंगे। देखिए पापड़ियाँ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, इसे हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर या किचन टॉवल पर, ये देखिए, और इसी तरह से बाकी की पापड़ियाँ भी फ्राई करेंगे। देखिए पापड़ी हमारी सारी तैयार हो गई हैं, अब इन्हें हम सर्व करेंगे। पापड़ियाँ हमारी सारी तैयार हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, ये कम से कम 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होती है। और इसको हमें फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगा है, क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई होती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।